हो गया, अभी भी स्लो ही है। क्या हो गया? नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, चलिए हो गया, अब आ रहा होगा। ठीक है ना? चलो अब मुझे सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के शीट में आने दो, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन स्वीटी ने पूछ लिया है, ढेर सारा। इसका क्वेश्चन है 47, 47 में आ जाओ। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बेटा कहावत है, उसमें तुम क्या कर लोगी? जो कहावत है दैट एंड्स वेल, यानी कि ऑल जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है, इसलिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, उसके बाद इसका डाउट है 57, 57। As less as two bags, बेटा जब bags की बात होती है ना, तो हम less word नहीं use करते हैं, हम countable के लिए few use करते हैं। As few as two bags of sugar, मुझे लगता है इसका शायद आपके option में कोई mistake है, fewer लिखा हुआ है, as as के बीच में few नहीं, fewer नहीं आता है, few आता है। ठीक है, क्लियर? चलो उसके बाद चलते हैं, जो आपका डाउट था उसमें 69, 69 क्वेश्चन में। बेटा आप लोग अब लिख के छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद मुझे अब आप लोग का क्वेश्चन तब देखेंगे जब इसका खत्म हो जाए तब। 69 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करा रही हूं। नीदर द कमांडर, कमांडर सिंगुलर है, नॉर हिज पर्सनल, पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है, स्टाफ वर्ड हो या पर्सनल वर्ड हो, दोनों प्लूरल नाउन होते हैं, और नीदर नॉर से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, जो वर्ब होगा। ठीक है, क्लियर? देन उसके बाद 69 के बाद 82 है, 82। द टीम हैज चोजन देयर कैप्टन होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे टीम सब ने मिल के नहीं, पता नहीं, 82 का रुको, 82 का आंसर क्या दिया हुआ है? 82 का सही में है, ठीक है, इट्स कैप्टन, बिल्कुल सही है, क्योंकि बात क्या है, टीम इकट्ठा होके एक मत के साथ काम किया है ना, इसका मतलब है जब टीम एक टीम की तरह काम कर रही है, यानी कि यूनाइटेड है, यूनाइटेड आपको यहां दिख रहा है, और जब यूनाइटेड होगा तभी ना अपना कैप्टन चुनेगा, तो इसीलिए 82 में बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। देन 83, 83 में आपको वो टीम अलग अलग जगह खड़े दिखेगा, फील्डिंग के लिए अलग अलग खड़ा होता है, यहां पे प्लेयर्स की बात है, यहां पे हम एज ए टीम नहीं दिखा रहे हैं, तो टीम इज नाउ नहीं होगा, द टीम आर नाउ इन द फील्ड एंड टेकिंग देयर पोजिशन, और देयर पोजिशन भी बता रहा है कि भाई टीम को अकेला एक एक मत की तरह बात नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हो गया 83, देन 89। टू ग्रेट मैन हुज बर्थ सेंटिनरी, अरे भाई अगर देखा जाए तो अगर 2020 में दो सेंटिनरी, दो लोगों दो का मनाया जाएगा, तो इसका मतलब वो 1920 में पैदा हुए, तो दोनों का सेंटिनरी एक ही होगा ना, दोनों का सेंटिनरी 100 साल के बाद होगा, तो सेंटिनरी होगा, सेंटिनरी थोड़ी होगा, यानी 100 साल बीतने के बाद दो ग्रेट लीडर्स थे, उनका सेंटिनरी दिस ईयर मनाया जा रहा है, तो सेंटिनरी दो नहीं हो सकते हैं, 100 साल के बाद दोनों का सेंटिनरी मनाया जाएगा, तो वही एक साल मनाया जा रहा है 2020 में। ठीक है, देन 94, और बाकी जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन दे रहे हैं, बस इन क्वेश्चन को हटा के देना,
ये नहीं कि फिर से मुझे रिपीट करा आप क्वेश्चन ये सब. 94, नीदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड. बेटा जब बहुत में से फाइव एक्यूज्ड में से दो में से नहीं तो नन ऑफ होगा, दो से अधिक में से एक को चुन रहे हो तो नन लगाओगे. ये सब छोटे क्वेश्चंस पूछ रही हो तुम इतना अच्छे से कराए हुआ चीज को आप कर रहे हो ऐसे. 99, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. एक बात बताओ, ये तो मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था, इज लेस. क्यों इज लेस? क्योंकि परसेंटेज वर्ड ही सिंगुलर है. आपको अनकाउंटेबल नाउन में परसेंटेज पढ़ाया है, ये तो वर्ड ही सिंगुलर है, ठीक है. देन 100, थ्री फोर्थ ऑफ द बॉयज. बॉयज की बात हो रही है, उसमें से तीन चौथाई बॉयज तो आर इंटेलिजेंट होगा ना. यानी कि अगर 100 लड़के हैं तो 75 लड़के इंटेलिजेंट है, आर इंटेलिजेंट होगा, ठीक है. 117, वॉट शी सेज एंड वॉट शी डज. वो क्या कहती है और क्या करती है दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है. हाँ, शादी करते हो कि कुंवारे रहते हो, ये एक ही चीज है. तो यहां पर इज होगा. अगर शादी नहीं करते हो तो कुंवारे रहते हो, ये एक चीज है. लेकिन क्या कहती हो क्या करते हो दो अलग अलग चीजें हैं. फिर 118, वॉट वर देयर्स आर माइन नाउ. ठीक है, जो उनका था कल वो आज मेरा है, ठीक है. 126 नंबर, अ फेयर मीन्स. बिल्कुल सही है, मीन्स का मतलब नाउन में पढ़ाया आपको, ये बिल्कुल सही है. अ फेयर मीन्स इज प्रेफरेबल, ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ फाउल वन. 126 का आंसर क्या दिया हुआ है, कहीं गलत तो नहीं दे दिया आंसर कोई. 126 का नो करेक्शन, बिल्कुल तो ठीक है. क्योंकि मीन्स का मैंने कहा था कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में आता है. 126 बिल्कुल सही था. ये 133, ही इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू. विथ अ व्यू टू, ये एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, ठीक है. टू प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आता है तो आई इन जी फॉर्म में आना चाहिए. ही इज वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू कॉम्पिटिंग विथ सिबलिंग्स. ये बेसिकली प्रेपोजिशन या तो वर्ब एडवांस का क्वेश्चन होना चाहिए था, इसमें डाल दिया है, ये सही नहीं है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आओ. रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस हैव रॉटन. ठीक तो है, रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस का मतलब बाकी जितने ऑरेंजेस बचे हुए हैं वो सड़ गए हैं. एंड 161, मोर देन वन आर्टिकल्स. मोर देन वन बॉयज था तो मोर देन वन आर्टिकल्स होगा ना, और बाकी तो वर्ब ठीक है. इसमें एक मैरी वाला क्वेश्चन था, शायद उसका आंसर मैंने रॉन्ग दे दिया था, तो मोर देन वन आर्टिकल्स हो गया, ठीक है. अब इसी पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन देखना है मुझे, उसके बाद मैं नाउन पे आऊंगी, ठीक है. रुक जाओ, मुझे विकास चौधरी ऐसे क्वेश्चन मत लिखा करो बेटा. आप लोग कम से कम क्या हुआ, ठीक है, आप लोग कम से कम चैप्टर का नाम तो लिखोगे ना. सोनाली, द कमिटी इज यूनानिमस एंड द कमिटी आर डिवाइडेड. मैम प्लीज क्लियर वेयर इज और आर कम्स. सोनाली, जब वो एक मत हो, सर्वसम्मत हो, यूनानिमस का मतलब एक मत, तो इज आएगा, और जहां पे उनमें डिफरेंस है तो वहां पे आर आएगा. देवाशीष, अभी तो PQRS वगैरह का जो बैच है वो जो चल रहा है उसी में एडमिशन ले लो, क्योंकि उसका हम अभी नया बैच नहीं शुरू कर पाएंगे तुरंत ही, ठीक है. और विकास, 177 चार बार लिखने से नहीं होगा. 177 किस चैप्टर का वो लिखोगे? The walls of your house are much stronger than those of Mohanty. Mohanty का हाउस ना बेटा, those of Mohanty's होगा ना. Mohanty का नहीं है, Mohanty के घर का है, ठीक है, Mohanty के घर का है. इतने कॉल्स आते हैं ना, चला गया कहाँ. अब अंकित, आपका क्वेश्चन मैं करा देती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से.
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले जल्दी से पहले क्वेश्चन मुझे दे दो, और प्लीज जो क्वेश्चन मैंने करा दिया उसको रिपीट मत कराना प्लीज। नाउन का शीट का भी नहीं करा रहे हैं, पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करा के हटा दे रही हूं, ठीक है? ओके, विकी ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने दिया है ये। COVID-19 इज अ पैंडेमिक, फिर डिजीज लगाने की जरूरत नहीं है गौरव, क्योंकि पैंडेमिक का मतलब ही डिजीज होता है। प्लीज, अभी किसी ने भेजा था वो डिलीट हो गया मुझसे, क्योंकि उसके ऊपर कोई और आ गया था। अभी जिसका आया था देख लो, रेस्ट रेस्ट कंसेप्ट। ओम प्रकाश कुछ नहीं है, रेस्ट ऑफ द बॉयज प्लूरल वर्ब लेगा। रेस्ट ऑफ द ऑरेंज, भाई एक ही ऑरेंज था, थोड़ा सा खा लिया मैंने, एक ही ऑरेंज है, तो रेस्ट ऑफ द ऑरेंज क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है? ज्योति पैरा चंबल वगैरह सब होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि रोज रोज थोड़ी होगा अगर आप कहोगे तो। द मॉन्यूमेंट इज लाइंग इन शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है टूटी फूटी हालत में। गौरव बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अंकित आपका तो मैंने नोट कर लिया है, अब रुक जाओ, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं पूरा कंप्लीट खत्म कर लूं। ये सब कह रहे हैं इस पिछले संडे का बैकअप वीडियो नहीं है, तुम कह रहे हो लोड हो गया है। इंडियन फर्म्स एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग ऑफ इंडियन फर्म्स होगा ना बेटा, एंटीवायरल ड्रग ऑफ इंडियन फर्म्स। एड और टेलीकास्ट में क्या डिफरेंस है? टेलीकास्ट हमेशा टेलीविजन पे ही होगा, ठीक है? और खाली क्वेश्चन लिखने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन किसका। चलिए अब पहले मुझे शुभम 167 किसका, ऐसे मत लिखो ना यार, आज नाउन और वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो कम से कम आपको बता तो दोगे ना मुझे किसके करवा रहे हो, किससे किसका बोल रहे हो। आइए सौरभ आपका कर दूं मैं पहले। सौरभ का है 46 नंबर, क्या था? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु appeared, बेटा द नंबर मैंने पढ़ाया था, द नंबर के साथ आर नहीं इज आता है, अ नंबर ऑफ होगा तब आर आता है, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। द नंबर और अ नंबर देखो तो मैंने कराया है आपको 70 नंबर। इधर राम, हां अब इसका ध्यान से देखो, इधर और के मामले में हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी इधर राम और हिज फ्रेंड्स के मामले में हम राम के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी खत्म। अलोंग विथ हिज मदर, अब अलोंग विथ से जब जोड़ते हैं ना तो भी अगेन हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इधर और, एक सेकेंड रुको बेटा, गलती हुई मुझसे। इधर राम और हिज फ्रेंड्स, इसके मामले में, इधर और के मामले में हम सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी खत्म हो गया। हिज फ्रेंड्स अलोंग विथ हिज मदर, यानी कि अलोंग विथ के मतलब हो गया कि हम अलोंग विथ से जब जोड़ते हैं ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी या तो राम या तो उसके दोस्त अपनी माँ के साथ। अब किसने प्लान किया है? तो फ्रेंड्स ने प्लान किया है भाई, क्यों? इधर और से जोड़ते हैं तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, और अलोंग विथ से जोड़ते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। यानी देखा जाए तो यहां हिज फ्रेंड्स है, इसलिए इसका आंसर हैव आना चाहिए था। ये देख लो आपका सही है कि नहीं आंसर 70। यस, नो करेक्शन, तो 70 का फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेगा, वो तो मैंने ठीक से डाल दिया, बिल्कुल 70 के में फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेगा, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चला, तो हैव प्लान्ड बिल्कुल सही,
देखो कोई आंसर में गलती नहीं है। अब आओ 79 में, 79 का ध्यान से देखना क्या है। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, भाई डिवाइडेड वर्ड जैसे देखा समझ गए वर आएगा। यूनाइटेड में ना सिंगुलर आता है, डिवाइडेड में तो प्लूरल होता है ना। 80 में आओ, द हर्ड ऑफ काउस, भाई हर्ड की बात हो रही है, झुंड की बात हो रही है, तो अच्छा एक सेकेंड ना, हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इधर उधर भागना, यानी वो झुंड के रूप में नहीं भागी है, वो इधर उधर भागी है, ये बिल्कुल सही है। हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या हुआ, इधर उधर भागना। यहां पे हम लोग तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना, हेल्टर स्केल्टर इस इधर उधर भागना, इसलिए मीनिंग के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। 91, द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी एंड लेनिन, ये पॉलिटिकल व्यूज की बात हो रही है, याद है ना मैंने गांधी एंड मार्क्स का बताया था आपको, तो हैज बीन डिस्कस्ड नहीं होगा, हैव होगा, यहां दो अलग अलग विचारधाराओं की बात हो रही है। 113 नंबर, इट आर, इट के साथ कभी आर आता ही नहीं है, इट के साथ हमेशा इज आएगा नहीं तो वॉज आएगा, तो इट इज द पीपल, इट इज होगा, इट के साथ आर तो आ ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म्ड है। 146, द इकोनॉमिक्स ऑफ मेनी कंट्रीज आर सफरिंग बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर एट लॉगर हेड्स, यानी कि इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है कंपनीज का या कंट्रीज का, यानी इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ मनी मैनेजमेंट कैपेसिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ मेनी कंट्रीज सफर कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप्स के जो पॉलिटिकल व्यूज है ना वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लॉगर हेड्स का मतलब होता है हमेशा भिड़े होना, तो यहां अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज की बात हो रही है। ठीक है, हो गया, ये हमने करा दिया। अब 167 किसका पूछा था शुभम, मुझे नहीं पता, चलो मैं समझ लेती हूँ इसी का, तो 167 इसका करा दे। आई और ही, और जब लगाते हैं ना बेटा तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करता है, इज बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ और फाइव और सेवन, और मुझसे पूछा रणवीर ने इसका फाइव और सेवन नंबर क्वेश्चन। डेंगू नहीं कहते बेटा, हाँ डेंगी कहते हैं इंग्लिश में, डेंगी कहते हैं हिंदी में, इसके स्पेलिंग के चक्कर में है ना हिंदी में डेंगू बोल दिया लोगों ने। डेंगी वॉज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, मिजल्स एक बीमारी है, तो मिजल्स वॉज, देर वॉज मिजल्स टू प्रिवेलेंट हियर, यानी मिजल्स देखने में तो प्लूरल है लेकिन एक बीमारी है, कि खाली चिंता का विषय डेंगी ही नहीं था, वहां पे खसरा भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, है ना। और सेवन नंबर, द न्यूअर टाइप की बात हो रही है, ये वॉश नहीं वॉशेस होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, न्यूअर टाइप की बात हो रही है। ठीक है, नाउन, हाँ पोर्टल में डलवा देंगे बेटा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नितेश आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस दे रहे हो ये है, फाइन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही मैं देख रही हूं भी। ठीक है, चलिए चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नितेश का है क्वेश्चन 13 नंबर। मोर देन वन, याद रखना मोर देन वन के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, मोर देन वन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब मैंने कराया हुआ है। अ ग्रेट मैनी, जब अ ग्रेट मैनी होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं। लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर, अ ग्रेट मैनी हमेशा प्लूरल वर्ब प्लूरल एडजेक्टिव लेता है। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी प्लूरल लेता है, मैनी भी प्लूरल लेता है लेकिन मैनी अ सिंगुलर लेता है और मोर देन वन भी सिंगुलर लेता है, तो मैनी अ मोर देन वन इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। चलो 14 हो गया। 27, यू कैन अप्लाई फॉर एनी, एनी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, बताया था आपको,
नेक्स्ट 31, देर इज ओनली वन, तो इसीलिए हैज आएगा, एक ही किताब छपी है उसकी, देर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स. देन 45 में अ नंबर ऑफ है, मैंने अभी बताया था द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर था, तो अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब है, क्यों, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा, अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल लेता है. एंड 49, ऑल हैज बीन सॉर्टेड आउट एंड ऑल आर हैप्पी, इसका आंसर सही है, शायद मैंने कुछ गलती किया है, इसका आंसर एक बार आप लोग चेक कर लेना, मैंने गलत किया है शायद, क्योंकि आंसर बार बार हमें स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसका आंसर पूछ रहे थे, ये नो एरर है, ठीक है ना. 49 का आंसर लिख देना, नो एरर, 49 का आंसर में नो एरर करो, यस आंसर गलत दिया था, इसका नो एरर होगा. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहले मैं खत्म कर लूँ, यार इतना फोन करते हो ना बच्चों लोग तुम लोग कि मैं थक जाती हूँ, कब क्लास कैसे लूँ. 157, 159, नाउन प्रैक्टिस तो भी दे नहीं रही हूँ मैं बेटा. पूजा तुम फिर इतना क्वेश्चन लेके पहुँची हुई हो वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. पूजा आप जो करा चुकी हो वो रिपीट तो नहीं किए हो ना, तभी मैं देखूँगी. चलिए 157, 159, रेस्ट ऑफ माई फैमिली, बेटा फैमिली सिंगुलर यूनिट है तो इज होगा, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ माई फैमिली नहीं दिया है. एंड फन रेस्ट ऑफ द स्टाफ, स्टाफ प्लूरल नाउन है इसीलिए आर होगा. 157 का इज होगा, 159 का आर होगा, 157 का इज, 159 का आर, यस हो गया ना, ठीक है. देन पूजा 179, 180, 176, 130, 135, उसके बाद क्या है, 56 एंड 60, 56, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द एल्मनैक. एल्मनैक मतलब होता है वही डायरी यार, जो डायरी आपको मिलता है ना स्कूल वगैरह से भी, यानी कोई पंचांग वगैरह टाइप के भी कह सकते हो हिंदी में. नॉट लेस देन हाफ ऑफ द एल्मनैक वॉज रॉन्ग, ठीक तो है, क्योंकि एल्मनैक तो एक ही डायरी हुआ, हाफ ऑफ द एल्मनैक, एक का चाहे जितना भाग कर लो उस सिंगुलर ही होगा. देन 60, प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी आर डिफरेंट, ये तो मुझे ठीक लग रहा है, 60 का आंसर मुझे नो एरर लग रहा है, 60 का आंसर, क्योंकि यहाँ 60 का आंसर नहीं यार, 60 का आंसर मुझे गलत लग रहा है. उसका रीजन क्या है ना, यहाँ पे प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट दो अलग अलग चीजें हैं, तो वो दो अलग अलग चीजें हैं, इसका मतलब यहाँ पे प्लेइंग हॉकी एंड प्लेइंग क्रिकेट ये दो चीजें हैं, यहाँ पे प्लेइंग हॉकी एंड प्लेइंग क्रिकेट दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, देन 60 हो गया, 55 हो गया, 56, हो गया 56, देन 88, देख लेना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को क्वेश्चन लिख के छोड़ते जाओ बेटा आप लोग, बाकी उसके बाद में करूंगी. 188 का हो गया, फिर 88 एंड 89, नोबडी एल्स बट दीज कॉमली यंग विमेन, इसका मतलब हो गया कि ये कॉमली मतलब अट्रैक्टिव है ना, गुड लुकिंग. अच्छा, नोबडी यानी नो वन, नथिंग नहीं है, नन बट इस केस में बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, बिल्कुल सही है,
याद करो, नन बट एंड नथिंग बट. नन बट तो नन के बदले में नो वन बट, और नो वन की जगह पे नोबडी बट, ये भी तो लगा सकते हैं. इसीलिए प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना. और 89 तो बता ही चुकी थी मैं. 135 लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी दैट हैज चोजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर थॉट. दे मतलब प्लूरल है, यानी कि यहां जो माइनॉरिटी है वो प्लूरल के केस में आ रहा है. हैव आएगा, मैंने कहा था माइनॉरिटी देख लो किसके लिए आता है. अगर प्लूरल के लिए तो प्लूरल वर्ब होगा. दे का मतलब हो गया कि यहां पे माइनॉरिटी को प्लूरल के रूप में लिया गया है. इसीलिए 130 ही आस्क्ड द चाइल्ड टू गो आउट एंड प्ले विद सम अदर चिल्ड्रेन. भाई अदर्स नहीं आएगा क्योंकि चिल्ड्रेन यहां पे ये अदर एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव का बहुवचन थोड़ी बना देते हैं हम, है ना. विद सम अदर चिल्ड्रेन होगा. अदर्स विथ सम अदर्स भी कह सकते थे, लेकिन यहां पे तो चिल्ड्रेन की बात हो रही है. देन 176, 179 and 180. many an accident, many a के साथ तो सिंगुलर नाउन लगता है ना, फिर हैज लगेगा. मैनी अ एक्सीडेंट, मैनी एन एक्सीडेंट हैज होगा, क्योंकि मैनी और मैनी अ के साथ क्या था, मैंने कहा था मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन लगता है, तो मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन कहा था, लेकिन यहां एक्सीडेंट के चक्कर में मैनी अ बन गया मैनी एन, ठीक है. और लास्ट है 179, 180. ही सरेंडर्ड लास्ट नाइट. ही सरेंडर तो खुद किया, लेकिन उसको प्रोड्यूस किया गया होगा ना, पैसिव वॉइस है, ठीक है. एंड आई डिड नॉट एंड विल नॉट परफॉर्म, ये तो ठीक है. डिड नॉट के साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है. विल नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहां पे हमें अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है. एक ही था वर्ब का फॉर्म जिससे काम चल गया दोनों का. 176 और 180 का आंसर एक बार चेक कर लूं मैं. 176, अरे हाँ ठीक है, वही मैंने कहा कि मैनी एक्सीडेंट्स कर दो तब तो ठीक है, और मैनी एन लगाना है तो एक्सीडेंट होगा. एंड 180, नो करेक्शन, 180 का क्या बोला था मैंने यार, 180 हाँ ठीक है, नो करेक्शन, बिल्कुल सही था, हो गया. चलिए अब रुक जाइए, अब बाकी का मैं एक बार देख लूं. नाउन शीट वगैरह का रुक जाओ. एंड डैश ऑफ पोएम्स, एंथ्रोलॉजी होता है बेटा, पोएम्स की स्टडी को एंथ्रोलॉजी कहते हैं. प्लीज एक्सप्लेन वेयर वी यूज टू स्टार्स. वेयर यूज टू स्टार्स, भाई स्टार्स प्लूरल है तो टू स्टार्स तो बोल ही सकते हो, एंड फाइव स्टार्स भी कह सकते हो, लेकिन उसके बाद होटल लगा दोगे तब तो होगा ही नहीं, है ना, फिर तो फाइव स्टार होटल बन जाएगा. स्वीटी आपका हो गया. अच्छा अब थोड़ा सा रुको यार, थोड़ा सा रुको अब. एक सेकेंड, मैथ्स क्लास का बेटा हम लोग शुरू कर, हम लोग वेंसडे को आपको वो कर देंगे, अनाउंस कर देंगे अपने टीम, क्योंकि मेरे साथ जो टीचर थे वो आ नहीं पा रहे थे, आ चुके हैं. अब वो टीम अनाउंस कर दूंगी, बस शुरू हो जाएगा हमें लगता है नेक्स्ट वीक से ही. वॉल्यूम 1 इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, वॉल्यूम 2 तो इंग्लिश मीडियम, वो कंप्लीट एक ही है, वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग नहीं बनाया था मैंने, एक ही था, और बिल्कुल दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है वो.